फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R3 इजी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल, वो भी उत्तराखंडी स्टाइल में। तो चलो बनाते हैं उड़द की दाल। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी उड़द की दाल को ले लिया है भिगाने के लिए। इसे आप कम से कम 6 घंटे या पूरी रात भर भिगा के रखिए। मैंने इसे रात भर भिगाने के लिए रख दिया था। अच्छे से दाल को धो लिया था, उसके बाद ही भिगाने को रखा था। इसका बहुत कलर निकलता है, काला काला सा, तो 2-3 पानी से धोइएगा। और सुबह भी इसको धो के ही हम कुकर में रख देते हैं। और जैसे ही कुकर की पहली सीटी आती है, हमें गैस को सिम कर देना है और करीब आधा घंटे तक इसे पकाना है। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, करीब 2 चम्मच, और उसमें आधा चम्मच जीरा डाल के अब हम इसमें प्याज मिला देंगे। प्याज को मैंने लंबा लंबा ही काटा है, क्योंकि इसे हमें मिक्सी में पीसना है। 3 बड़े प्याज लिए हैं मैंने। इसको अच्छे से भून लेंगे। करीब 1 मिनट के लिए इसे हमें ऐसे ही भूनना है प्याज को। और अब हम इसमें मिला देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। इन सबको हमें प्याज के साथ ही भूनना है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, कई लोगों को उड़द की दाल नहीं पचती है, गैस हो जाती है, तो लहसुन हमें अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करती है। और मिर्च हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। अगर तीखा खाते तो ज़्यादा हरी मिर्ची डालिएगा, और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है। अब इन सबको एक साथ हम भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे प्याज ब्राउन ना हो जाए। और मैंने टमाटर भी काट के रख लिए हैं। अब इन टमाटरों को भी इनके साथ हम भूनेंगे, अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तेज आंच में ही हमें ये भूनना है। जैसे कि हमारे प्याज और टमाटर थोड़े से गल जाएं। इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं। 2 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए और गैस की फ्लेम को सिम कर दीजिए। 2 मिनट बाद हमारा जो प्याज और टमाटर है गल चुका है, क्योंकि टमाटर का छिलके निकलने लग जाते हैं। जब पता चलता है कि गल गया है तो उसके छिलके निकलने लगते हैं। ये देखिए, इसका छिलका अलग हो रहा है टमाटर का। तो अब हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। तब तक दाल की कंडीशन देख लेते हैं, दाल उबली कि नहीं। दाल भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। और जो हमने पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को हम इस दाल में ही पलट देंगे। अब आप कहोगे कि आपने तड़का तो लगाया ही नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब हम इस दाल में पेस्ट को मिला देंगे। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा पेस्ट मैंने बचा लिया है, किसी और सब्जी के काम आएगा, क्योंकि इस दाल में मुझे कम ही पेस्ट चाहिए था टमाटर प्याज का। और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। जो मिक्सी में मसाला लगा था उसको भी अच्छे से पानी डाल के मैंने दाल में मिक्स कर दिया है। और अब इसमें मसाला मिला देंगे, सूखा मसाला, धनिया, हल्दी, नमक। थोड़ा सा नमक दाल में ऑलरेडी है, जब मैंने उबालने के लिए रखा था ना, तो 1 चम्मच नमक डाल दिया था दाल में। सिर्फ अभी इसमें नमक, हल्दी और धनिया गया है। जो हमारी गैस की फ्लेम है उसे हमें तेज ही रखना है। और अब हम इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला मिला देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला। तेज आंच में ही हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है टमाटर प्याज के मसाले के साथ। अब मैंने इसमें पानी मिला दिया है। आपको जितनी गाढ़ी या कितनी पतली चाहिए अपने हिसाब से देख लीजिए।
अगर आपको रोटी के साथ या परांठे के साथ खानी है तो आप गाढ़ी गाढ़ी खा लीजिए, राइस के साथ खाना है तो थोड़ी पतली। और अब मैंने इसमें मलाई मिला दी है करीब 3 चम्मच के करीब। आपके पास मलाई नहीं है तो आप 200 ग्राम का क्रीम का डब्बा लेके आ सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप दूध डाल सकते हैं करीब 1 बड़ा कप। और अब मैंने सूखे मसाले एक कटोरी में रख लिए हैं, जिसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया। अलग से हम तड़का लगाएंगे। करछी में मैंने घी ले लिया है, देसी घी। इसमें मैंने जीरा और हींग डाल दिया है और साथ ही ये सूखा मसाला। इसको जब हम तेल में फ्राई करते हैं या घी में फ्राई करते हैं तो इसका अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है इसका तड़का। एक बार आप इस तरीके से तड़का बना के ये दाल बनाइए, अलग ही टेस्ट आएगा आपको। और जैसे ये घी में हमारा जो मसाला है, 1 मिनट हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए अच्छे से भुन चुका है, खुशबू आने लगी है। और अब हम सीधा इसको जहाँ पे हमारी दाल है उसमें ये तड़का मिला देंगे। ये देखिए दाल का कलर भी अच्छा आने लग गया है, क्योंकि लाल मिर्च का भी इसमें तड़का गया है। बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है दाल का। पराठे के साथ तो ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें धनिया मिला के आप इसे सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ। और अगर आपको चावल के साथ खाना है तो आप थोड़ा सा पानी मिला के भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है दोस्तों, और ऊपर से मैंने इसमें घी मिला दिया है। और हाँ दोस्तों, इस दाल को मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी दाल के पराठे बनाने होते हैं अगले दिन। तो मैंने 1 कटोरा दाल अलग से निकाल दिया और अब मैं पराठे की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आटा ले लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब अचार का मसाला मिला दिया है। आप कोई भी अचार ले सकते हो, मिर्च का, आम का। साथ ही मैंने इसमें ओरिगैनो मिला दिया है। ओरिगैनो नहीं है तो आप कसूरी मेथी मिला सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने तेल मिला दिया है, रिफाइंड ऑयल। अगर मेरे पास ज़्यादातर कई बार सब्जी में तेल ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं तेल अलग कर देती हूँ, उस तेल को मिला दिया है। और नमक, हल्दी और लाल मिर्ची मिला के इसका अच्छा सा डो तैयार कर लें, आटा गूंद लें अच्छे से। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं दोस्तों, एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी उड़द की दाल बनाओ ना, थोड़ी सी दाल अलग कर दो कि हमें इसके पराठे बनाने हैं। नेक्स्ट डे आप इसके पराठे खाइए देसी घी के साथ, बटर के साथ। और ये हमारा आटा तैयार हो गया, इसमें अचार का फ्लेवर, ओरिगैनो का फ्लेवर, ओहो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं पराठे। और इजी भी होते हैं, क्योंकि हमें कुछ फीलिंग नहीं करनी है। और 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है और अब हम बनाएंगे पराठे। और बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रोटी की तरह इसको बेल देना है। जितना पतला बेलोगे उतना अच्छा बनता है, क्योंकि क्रिस्पी बन जाता है। और इसे गर्म गर्म तवे में डाल दीजिए, और जब ये सिक जाए तो इसको पलट लीजिए। और अब इसके ऊपर आप घी या फिर रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए और अच्छे से इसको दबा दबा के सेक के पकाइए। ये बहुत ही करारे और खस्ते बनते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही करारा बना ये पराठा हमारा। और अब इसको मक्खन के साथ खाइए, सचमुच बहुत लाजवाब होता है। अगर आपको ये पराठा पसंद आता है ना दोस्तों, तो दोबारा मेरी इस वीडियो में आइएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सच में ये पराठा बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। और अगर आपको पसंद ना आया ना, तो आप ना डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी बोल दीजिएगा अच्छा नहीं बना। लेकिन मुझे विश्वास है आपको ये पराठा बहुत पसंद आएगा, उड़द की दाल का, सिंपल और ईजी, और साथ ही साथ टेस्टी और करारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।